Hello my dear students, good morning to all. Today's date is 22nd May 2021, subject Social Studies, Class 4, Chapter 3. My dear students, today we'll be reading a new chapter, The Northern Mountains. The Northern Mountains stretch like a great wall across the northern and northeastern parts of our country. It includes the Karakoram, Ladakh and the Himalayan range of mountains. हम लोग का जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है वो एक ग्रेट वॉल की तरह नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री में खड़ा है, ठीक है। हम लोग का जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है वो एक वॉल के जैसा खड़ा है, कहाँ पे? नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में। एक कौन कौन सा माउंटेन्स इंक्लूड करता है? कराकोरम, उसके बाद लद्दाख एंड हिमालयन रेंजेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे हिमालयन रेंजेस है, ठीक है, कराकोरम और लद्दाख। लद्दाख आपका इधर ही होगा, देखिएगा, और कराकोरम। दे आर द हाइएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का सबसे हाइएस्ट माउंटेन रेंजेस है, ठीक है। द हिमालयस एक्सटेंड फॉर 2500 किलोमीटर्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए हिमालयस कहाँ से कहाँ तक है। हिमालयस जो है वो आपका 2500 किलोमीटर्स एक्सटेंड करता है, ठीक है, यहाँ से इधर 2500 किलोमीटर्स है। तो आपका जम्मू कश्मीर जो कि नॉर्थ में है वहाँ से वो अरुणाचल प्रदेश तक है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ से आपका नॉर्थ ईस्ट तक है हिमालयस, कहाँ से? जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। इट इज़ अबाउट 450 किलोमीटर वाइड इन कश्मीर एंड नैरोज डाउन अबाउट 160 किलोमीटर्स इन द नॉर्थ ईस्ट। आपका ये जो है कितना चौड़ा है? 450 किलोमीटर वाइड है कश्मीर में, 450 किलोमीटर वाइड है, चौड़ा है, और आपका नैरो मतलब थोड़ा सा पतला है, कहाँ? 160 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। द वर्ड हिमालय इन संस्कृत मीन्स अबोड ऑफ स्नो, ओके, अबोड ऑफ स्नो। जो वर्ड हिमालय है उसका संस्कृत में मतलब होता है अबोड ऑफ स्नो। अ लार्ज पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज इज कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। अब जो ये जो हिमालयन रेंज है इसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा आपका हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, ठीक है। नाइन ऑफ द 10 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स इन द वर्ल्ड आर इन द हिमालयन रेंजेस। 9 में से 10 10 में से 9 जो माउंटेन पीक्स है जो वर्ल्ड का सब हिमालयन रेंजेस में है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इज माउंट एवरेस्ट इन नेपाल, इट इज़ 8848 मीटर्स हाई। अब देखिए सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा? माउंट एवरेस्ट है, वो कहाँ? नेपाल में है, और कितना मीटर हाई है? वो 8848 मीटर हाई है, ठीक है। द हिमालयन कंसिस्ट ऑफ 3 माउंटेन रेंजेस दैट रन पैरेलल टू ईच अदर, द हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालयस, द हिमाचल और द मिडल हिमालयस, और द शिवालिक और द आउटर हिमालयस। अब देखिए जो हिमालयन माउंटेन्स है वो 3 माउंटेन रेंजेस में उसको डिवाइड किया गया, जो एक दूसरे से पैरेलल है। द हिमाद्री जिसे हम ग्रेटर हिमालयस बोलते हैं, उसके बाद जो हिमाचल आता है जो मिडल हिमालयस है, और शिवालिक जो कि आउटर हिमालयस है, ठीक है। अब देखिए पिक्चर में अ मैन लुकिंग एट माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। देखिए ये है माउंट एवरेस्ट आपका जो कि सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस है, ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे कुछ बोला गया डिड यू नो में, देखिए अ पास इज द लोएस्ट पॉइंट इन अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, पासेस आर ऑफ ग्रेट हेल्प टू ट्रैवलर्स एंड ट्रेडर्स वांटिंग टू क्रॉस हाई माउंटेन रेंजेस। द रोहतांग पास इन द हिमाचल एंड नथुला इन सिक्किम आर इंपॉर्टेंट पास इन द हिमालयस। अब पास क्या होता है? एक्चुअली दो माउंटेन्स के बीच में जो छोटा सा पास होता है जिससे कि वो माउंटेन को क्रॉस करने में मदद करता है। जैसे हम लोग का यहाँ पे देखिए हिमाचल में क्या है? रोहतांग पास के नाम से जाना जाता है, और सिक्किम में क्या है? नथुला पास, जो कि हिमालयस का सबसे इंपॉर्टेंट पासेज है जहाँ से आदमी लोग आसानी से पहाड़ को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं घर में नॉर्दर्न माउंटेन्स का इंट्रोडक्शन को पढ़े कि हम लोग का जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, और हिमालयस को कितने रेंजेस में डिवाइड किया गया है। हिमाद्री, द ग्रेटर हिमालयस, उसके हिमाचल, द मिडल हिमालयस, शिवालिक और द आउटर हिमालयस। तो हम चाहते हैं घर में नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़े और इसे पढ़ के समझने की आप कोशिश करें। थैंक यू।